तो आज के इस व्लॉग में आई एम शेयरिंग स्क्रैच से अर्ली मॉर्निंग फेस टू द स्किन केयर स्टेप्स दैट आई एम फॉलोइंग। आई डोंट अप्लाई बेस ऑन डेली बेसिस, आई हेट डूइंग मेकअप। और साथ ही मोस्ट रिक्वेस्टेड नो मेकअप लुक, जो कि मैं आमतौर पर लोकल मार्केट या फिर ऑफिस और डेली वेयर में कैजुअली जो मैं लुक रख उसका ट्यूटोरियल आपको दे रही हूँ। सो हैव अ लुक। उसके बाद हम एक इवेंट पे जाने के लिए तैयार होंगे। बाय द वे वो दराज का इवेंट है जिसपे आपने देखा होगा बाकी बहुत सारे व्लॉगर्स भी वहाँ थे। सो उसके लिए मैंने क्या तैयारी की वो भी आपको दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी उठी हूँ सोकर, जस्ट हैविंग माय कॉफी। सो दिस इज मी बेयर फेस। अच्छा, एक्चुअली आई एम बेयर फेस और ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है। सो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, नथिंग इज़ परफेक्ट, नो स्किन इज़ परफेक्ट। हाँ, कुछ लोगों की होती है दे मेंटेन इट, बट आई कीप ऑन डूइंग थिंग्स टू मेंटेन इट। So it's not perfect. If you want, I can show you. You can see. किसी की स्किन परफेक्ट नहीं होती। So ये मैंने खुद ही हाल किया हुआ अपनी स्किन का, राइट? Although it's fine, it's not that bad. ये असल में आई कैसे हैं, हल्का सा वाइट हेड या कुछ भी होना, मैं उसको पील ऑफ करना शुरू कर देती हूँ। मैंने एक ये ऑर्डर किया था, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन पिंक क्ले मास्क है विच आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई। सुंदस ने किया हुआ था, आई थिंक उसको पीआर में आया था, बट मुझे ये पीआर में नहीं आया। पीआर में जो आया था वो ये है, ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स की ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने आपसे जिक्र किया था। मैंने आपको पहले बताया था, दे टीम रीच आउट मी एंड दे वॉन्ट मी टू ट्राई देयर वे। तो ये जो है ये मैं बहुत अरसे से ट्राई करना चाहती थी, द कॉफी सीरम। So I'm going to try this. और ये है क्लेयर, क्लेयर इज फॉर माई स्किन, रियली ईगर टू ट्राई दिस एज वेल। वाइटमिन सी, और ये है जी इसका मॉइस्चराइजर, रैपिड रिपेयर। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस और आके मैं आपके साथ ही ये ट्राई करती हूँ। अभी मैंने बिल्कुल मुँह भी नहीं धोया हुआ था, सो आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस, उसके बाद मैं आके आपके साथ ये ट्राई करती हूँ, सही है? अच्छा, आई थॉट कि मैं आपको अपना क्लेंजर भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। ये तो मैं फिर सुंदस के लिए ऑर्डर किया, मैं लाहौर जा रही हूँ तो उसके लिए लेके जा रही हूँ, बट इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट। ये स्कोरा ब्यूटी का क्लेंजर है, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, आई फेल इन लव विद द प्रोडक्ट और मैं अब ये सबको गिफ्ट करती फिर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी 5 ऑर्डर किए थे पैकेट, ठीक है, सारे गिफ्ट कर दिए हैं। इवन मैंने अपनी हेल्पर की बेटी को भी गिफ्ट किया, लाइक शी वाज क्लेमिंग कि उसको ना बहुत ज़्यादा एक्ने हो रही है और वो जॉब भी करती है, सो आई रियली लाइक हार्ड वर्किंग पीपल। सो वो जब जॉब पे जाती है तो उसकी एक्ने, लाइक यू नो, शी नीड्स टू बी प्रेजेंटेबल एंड शी लाइक इट ऑल्सो। जिसको भी मैंने अभी तक दिया है दे लव द प्रोडक्ट, सो आई थॉट कि मैं आपसे भी शेयर करूँगी। ये तो खैर पैक है ही सुंदर, इसके लिए मैं आपको अपना क्लेंजर दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द बॉटल, ठीक है, इसका मैंने बिल्कुल 1 pea साइज ये लिया है, इतना सा ड्रॉप। Check the result. You see why I'm in love with this product. By the way, I've never seen such results of any cleanser that I've ever used. Wo bhi locally made. Okay, being a minimalist, I always try to have a simple pattern. So Organic Traveler ne jo mujhe apni product review karne ke liye package bheja hai, isko I'll review for a good period of time and I'll give the honest review. So I'm just starting this routine today with you. Aur yahan pe main ye zarur mention karna chahti hu ki vitamin C inka mujhe pehle bhi acha laga tha. When I खुद ऑर्डर करके यूज किया था। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको अंदाजा है कि इट वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ माय स्किन केयर रूटीन। यहाँ पे काफी सारी क्यूरीज हैं जिनका आंसर मैं एक डिटेल्ड व्लॉग में, जो कि स्किन केयर व्लॉग होगा, उसमें करूंगी। जैसा कि ये कंसर्न हो सकता है कि इज इट द राइट वाइटामिन सी दैट यू शुड यूज। बहुत सारों का कंसर्न होता है कि इसकी बॉटल ब्लैक क्यों नहीं है। सो आई टेल यू कि जब ये क्यूरी मैंने इनकी टीम से की तो उनका क्या जवाब था। सेकेंडली, वाइटामिन सी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सनब्लॉक is a must, 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 right? क्योंकि vitamin C से आपकी skin जो है वो थोड़ी सी sensitive हो जाती है। Even बहुत सारे लोगों को ये concept भी नहीं होता कि अगर आप घर से बाहर नहीं भी जा रहे, आपने अपनी routine में अगर मैं ये 3 steps follow कर रही हूँ, vitamin C, moisturizer, जो कि rapid repair है, and then sunblock, ये 3 simple products हैं जो मैं अभी अपनी routine में use कर रही हूँ, and I'll not miss a single day, right? यहाँ मैं ये जरूर mention करूँ कि मैं इसको रोजाना use करूँगी, तभी review कर सकती हूँ। Of course अगर मैं बीच में थोड़ी सी
ऐसी डंडी मार दूंगी, प्रॉपर यूज नहीं करूंगी तो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो आई कीप ऑन यूजिंग इट. अगर मुझे घर से बाहर नहीं भी जाना, संडे है, सैटरडे आई एम लेजी एट होम, स्टिल आई वुड डू द रूटीन. मैं सुबह उठते ही क्लेंजिंग करने के बाद विटामिन सी मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक लाजमी यूज करूंगी, क्योंकि हो सकता है मुझे बालकनी में कपड़े ना सुखाने हो, मतलब सन एक्सपोजर इतना भी ना हो, बट स्टिल मेरे रूम में हो सकता है सन की जो रेज आ रही हो वो मुझे फिर भी इफेक्ट कर रही हो. और ऐसा है, अगर आप घर से बाहर नहीं भी जा रहे, यूवी रेज आर देयर एंड यू नीड प्रोटेक्शन. बाय द वे, मेरे रिव्यू में तो अभी टाइम है, बट दोस हु जेन्युइनली लव ऑर्गेनिक ट्रैवलर मस्ट नो दैट देयर बर्थ एनिवर्सरी सेल इज गोइंग ऑन. द सेल डिस्काउंट इज 15% ऑफ, बट इफ यू यूज माय कोड HG10 यू कैन गेट एडिशनल 10% ऑफ, सो इट विल बी अ टोटल ऑफ 25% ऑफ एट एनी प्रोडक्ट दैट यू बाय. ओके, अ लॉट ऑफ यू आस्क मी कि आप डेली रूटीन में क्या यूज करती हैं. वी डोंट जज मी ऑन दिस, ये मैं बिल्कुल सो के उठी हूँ, मेरी कंडीशन है. दिस इज द टेंट दैट आई अप्लाई. Someone is video calling me. Sundar is here. So let me connect with you again. Hello. Oh my God. Look who's here. Hanji. This is how the tent looks like. It's very natural. So, ये मैं daily wear में सिर्फ ये दो products use करती. These are just two products that I use. एक और भी है, sorry. Three products. So, ये तीन products मैं use करती हूँ, right? The brow gel, which is magical. This is the tent, Miss Rose का tent. और ये खत्म होने वाला है. I have to get another one. Tint I've applied. And then मैंने कभी अपनी लिप्स की शेप नहीं बनाई. व्हाट आई डू, आई अप्लाई लिपस्टिक लाइक दिस एंड देन डू इट लाइक दिस. ये हल्का सा ऊपर आ जाता है, बट इट लुक्स गुड. इट्स इन द ट्रेंड, यू नो. सो दैट्स हाउ आई अप्लाई लिपस्टिक. एंड देन this is the brow mascara. I'll be using it. Now you see the difference between these two brows. For me, I count above all comes eyebrows, because isse ek bahut proper look aati hai. Main agar kuch bhi aur na karu makeup mein, eyebrows are a must. That's literally how they look presentable. So it's in front of you, bilkul so ke uthke mood hone se lekar I've applied my daily essentials for a presentable look. So if I type only, I look presentable enough, I can go out. Or abhi I think I have catcher, so I'll be needing a bun. So here I go. So that's how I look presentable. Maine sirf 3 products used ki thi face pe. These are the 3 products that I'm using on daily basis. That's it. Aur sunblock aur baaki cheeze to maine aapko dikha di hai, right? I don't apply base on daily basis. I hate doing makeup. Literally, welcome from Lahore. और मेरा मुंह तो बहुत swell हुआ है, नींद पूरी ना होने की वजह से. फिर लाहौर में किस काम के लिए आई हूँ, अभी मैं आपको साथ लेके जा रही हूँ एम्पोरियम मॉल. मैंने एक इवेंट पे जाना है और उसके लिए हमने पहले हील्स लेनी है. मेरा ड्रेस तो रेडी है, राइट? आई शो यू, जब पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि ड्रेस कौन सा है. और उसके लिए हील्स चाहिए थी, सो आई एम गोइंग टू एम्पोरियम मॉल. और मेरे साथ कौन है यहाँ पर, हैव अ लुक प्लीज. सुंदर से सेवनी से है, बहुत झटके लग रहे हैं. इट्स ओके. और एम्पोरियम से हील्स लेंगे, नाश्ता करेंगे और हेयर डू कराएंगे और फिर जाएंगे इवेंट पे. तो आप मेरे साथ रहे और देखिए कौन सा इवेंट टाइम. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टे कनेक्टेड. I want these. Excuse me, what size are they? You can try both. What about this? Yeah, this is a golden oval. I like this more.
लेकिन हील्स होनी चाहिए, दैट नॉट क्लासी। हाँ इसमें भी दिखा दें, ले दें मुझे। अच्छा कौन सा बैग आप मुझे सजेस्ट करी थी अभी? ये जो ऊपर लगा हुआ है ब्लैक। एक्चुअली डेली वेयर में या फिर ऑफिस या कैजुअल वेयर में तो मुझे लोकल मार्केट स्टफ़ ही बेस्ट लगता है, क्योंकि महंगी चीज़ें आम रूटीन में कैजुअली पहनने का दिल नहीं चाहता पता है। बट येस फॉर एक्सक्लूसिव इवेंट्स आई प्रेफर इन्वेस्टिंग इन अ गुड पीस, और ब्लैक जो है वो इट्स अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे जब हमने वॉलेट हंट किया था तो मैंने आपको ये मैंशन किया था कि मेरा लोकल मार्केट के लिए वॉलेट डिफरेंट होता है, और लाइक इट वेरीज, आई हैव 3 काइंड ऑफ वॉलेट्स, सो हर जगह के अकॉर्डिंग मैंने उसको कैटेगराइज किया हुआ है। सेम गोज फॉर हील्स एज वेल। बाय द वे से मुझे याद आया कि हमारा वॉलेट वाला हंट तो अभी रहता है, आई विल बी कवरिंग मोर ऑफ इट सीरीज प्रीटी सून इंशाल्लाह। हाँ इसी में उन्होंने ब्लैक कलर निकाला है। हम दोनों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, सो इट्स टाइम फॉर सम फ्रेश जूस। I just love this green coat, isn't it nice? है ना? अभी time नहीं है ना, वरना देख। Oh my God, would you believe me here? I spotted the same coat. यही सेम कलर का कोट, इसी तरह के डिजाइन में आई स्पॉटेड इट एट अ लोकल मार्केट एंड गॉट शॉक्ड जब मुझे पता चला कि उस कोट की प्राइस 16,000 रुपीज है, जितनी प्राइस सैफायर के कोट की है। विंटर्स की शॉपिंग करना लोकल मार्केट में आजकल कोई सीन नहीं है लिटरली, बट आई नीड टू स्पॉट बहुत बजट फ्रेंडली शॉप्स, तो फिर आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा पिक्चर में यही ग्रीन कोट कितना डिफरेंट लग रहा है, बट इन एक्चुअल इट्स कलर इज डिफरेंट, है ना? देखिए कितना डिफरेंस होता है शूट के पिक्चर में। सैफायर वेस्ट, आपने क्या खाना है मुझे बताएं। श्योर लाहौर में मेरा वैसे देसी नाश्ता करने का दिल चाहता है, बट इट्स ओके, ठीक है सर। So we decided कि हम नाश्ता जो है वो फूड कोर्ट में जाके करेंगे। राइट नाउ हम सैफायर वेस्ट पे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, नॉट इन अ मूड टू गेट एनीथिंग राइट नाउ, सारे पैसे हील्स पे लगा दिए, तो जब तक हमें जूस मिलता है तब तक हम यहाँ देखते हैं, उसके बाद ऊपर जाके कुछ खाएंगे। लेकिन ये पहन के तरह चलेंगे कैसे? थैंक यू। कौन सा है मेरा? थैंक यू। So we thought to have some wrap. अगर आपको याद हो तो एक ad था बहुत famous, बहुत ही shit ad था by the way. It was not good, I don't support it, but have a look at it, आपको याद आ जाएगा। एग्जैक्टली ये वही बर्गर चेन है जिसका आई थिंक 7 या 8 साल पहले जो है ये एड बहुत फेमस हुआ था, लेकिन आप ये चेक करें कि इसका क्या लेवल है, माशाल्लाह लाइक देयर टेस्ट इज सो गुड, एंड आई एम सो ग्लैड कि पिछले 8 सालों में इनके एड्स की क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हुई है, एंड आई थिंक देयर टारगेट ऑडियंस ऑल्सो इम्प्रूव्ड। आपको आउटलेट से अंदाजा हो रहा होगा हाउ वेल दे आर डूइंग, राइट? की तरह चलेगा।
मॉल से फ्री होके हम आ गए हिफ्सा खान सैलून, यहाँ से हम कराएंगे हेयर टू और फिर घर जाके मेकअप करके तैयार होके फिर इवेंट पे जाएंगे राइट। और सीरियसली 5 घंटे के सफर के बाद इतना सुकून आ रहा था ना हेड वॉश करा के, लिटरली इट वॉज वर्थ इट। एक्चुअली मेरे बाल डाइड नहीं है, बिल्कुल वर्जिन हेयर है। सुंदर ने कराना था कलर शैम्पू, सो वो पर्पल शैम्पू यूज करती है, तो उसके चक्कर में उनका थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया और मैं फॉरन से फ्री हो गई। फ्री होने के बाद मैं लिफ्ट में सेकंड फ्लोर पे चली गई। सेकंड फ्लोर पे उन्होंने सबसे पहले एक कैबिनेट दिया जिसमें मैंने अपना सारा सामान रख दिया, सो दैट आई वाज टेंशन फ्री। और फिर जो इस लॉकर की कीज थी वो उन्होंने लाके ना सेफ्टी पिन से मेरे शोल्डर पे लगा दी। पहले तो आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, बट लेटर ऑन व्हेन आई रियलाइज्ड कि जब मैं फ्री होके निकलने लगी तो आई रियलाइज कि ओह दैट वाज रियली नाइस, वरना तो चाबी इधर उधर हो जानी थी फॉर श्योर, और मेरे से तो लाजमी ही होनी थी। So it was a perfect solution for my kind of people. Actually, मेरा तो normal wash था, but Sundar's का जो है वो color wash था. So purple shampoo के चक्कर में उन्हें time ज़्यादा लग गया. अब tension ये थी कि हम दोनों ने तो इकट्ठे free होना था, तो अगर उन्हें बहुत time लग गया तो हम late हो जाएंगे और event पे कैसे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद घर जाना है और घर जा के तैयार होना है. By the way, I really love those salons जिनकी coffee अच्छी होती है, so it made my day. I was craving for coffee at that moment. Even सच बताऊँ मॉल से निकलने से पहले भी मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह कॉफ़ी हाथ लग जाए, बट आई न्यू कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। अगर मैंने अभी सुंदर को बोला कि कॉफ़ी चाहिए तो बहुत बुरी लड़ाई हो सकती है, खैर अल्लाह ने सुन ली। वन मोर थिंग, ड्यूरिंग हेयर डूज ना सबसे बुरा पार्ट होता है हेयर स्प्रे वाला, क्योंकि आई एम एलर्जिक टू इट। सो जब स्प्रे हुआ ना तो मेरी तो आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है और मुझे एंटी एलर्जिक लेनी पड़ती है। सो आई जस्ट कवर्ड माई नोज कि किसी तरह स्प्रे यहाँ ना चला जाए वरना काम बहुत ख़राब हो जाएगा, मैं इवेंट पर जाने के काबिल भी ना रहती सीरियसली। द बेस्ट पार्ट वॉज आई लव्ड माई हेयर डू। सुंदर का थोड़ा सा वेट करना था, सो आई डिड फॉर आई थिंक 10 मिनट्स, या देन शी गॉट फ्री एज वेल एंड लुक एट हर हेयर। आई थिंक ये खुद ज्यादा बेहतर कर्ल्स कर लेती है, दोज हु फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम कैन बेटर टेल राइट, बट येस आई लव माई हेयर। अब जा रहे हैं हम घर और घर जाके तैयार होंगे, जल्दी जल्दी मेकअप करूंगी। आई थिंक आई वॉन्ट बी एबल टू शो द गेटिंग रेडी सेशन, बट येस उसके बाद की लुक दिखाती हूँ। ओके, दराज इवेंट पे मेरे साथ चलने के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट ब्लॉग एंड सब्सक्राइब द चैनल।